महान कोसल राज्य पे रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी तीन रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को चार बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को ही मांगा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाना। बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाए। हेमपुर नरेश, महाबली रोहित कुमार सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे हैं। बचपन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा।